ओम शांति। 20/10/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न: संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है? उत्तर: राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर ही बाप खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी बेड़ी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दूबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सेल्वेज करते हैं। वह सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दूबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सत्युग को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर। यहाँ है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बतलाते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है, इन बातों का कोई जानते नहीं। सब कहते ईश्वर की गति मत नारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर
तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सत्युग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रालब्ध पाते हो, बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण, भगवानुवाच कह देते हैं। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने वाले हैं। प्रिंस प्रिंसेज कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है, बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाबा तो राजयोग सिखलाते हैं सत्युग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिसमें वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। कामचिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे कैसे हो पड़ते हैं, वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता, यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतोप्रधान मिलेंगे, सतोप्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतोप्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा भी हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनायस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं, है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं, बाण चलाना भी सीखते हैं, छोटे बच्चे को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते मामे कम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त।
तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबसे बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। कहते हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं, ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी। जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट माइट भाव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। ओम शांति।